दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं द स्टडी एक्सप्रेस में। आज 13 मार्च है, तो आज का हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन के रिकॉर्ड और प्रदर्शनी को कितने करोड़ पृष्ठों को डिजिटलीकरण किया गया है? जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका सही उत्तर होगा 4.5। यहाँ पे प्रहलाद सिंह पटेल जी जो कि पर्यटन मंत्री हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन ये स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ संस्कृत मंत्री भी हैं। तो ये दोनों लोग मिलके इसका डिजिटलीकरण का उद्घाटन कर रहे हैं, जहाँ पे 4.5 करोड़ पेज को नेशनल आर्काइव यानी राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर जीवी सामंत को किस पद पर नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जीपी सामंत सामंत को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ही समय असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। तो इसका सही आंसर होगा मुख्य सांख्यिकीविद। जैसे कि यहाँ पे न्यूज का कटलेट देख सकते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट्स डॉक्टर जीपी सामंत एज द न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। सीएसआई के हेड बने हुए हैं। बात करें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स की, जो कि स्टैटिक्स जीके का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में इसका पूछने की संभावना रहती है, तो प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस जी इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर बोले जाते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट का एडिशनल जज किसे बनाया गया है? कर्नाटक हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया है मोहम्मद गौसे सौकरे को। यहाँ पे आप प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे 12 मार्च 2021 को इनको श्री मोहम्मद गौसे सौकरे कमल को एडिशनल जज नियुक्त किया गया है। यहाँ पे राष्ट्रपति अपने आर्टिकल 224 सब क्लॉज 1 के का यूज करते हुए इनको एडिशनल जज की नियुक्त किए हैं। बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट भाग 6 के आर्टिकल 224 से 231 के बीच में इसके बारे में जिक्र किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट 1821 में एस्टेब्लिश किया गया था, और ये बंगलुरु में विधानसभा के ठीक सामने इसकी बिल्डिंग बनी हुई है, जो कि लाल ईट से बनी हुई है, लाल पत्थर से, इसलिए बहुत फेमस हाई कोर्ट माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं अभय श्रीनिवास ओका जी को, ये इस समय चीफ जस्टिस हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के। गोविंद माथुर यूपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। यूपी हाई कोर्ट 1866 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये आगरा में बनाया गया था, लेकिन 1869 में इसको इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया। प्रभुलिंग के नवागी ये एडवोकेट जनरल हैं कर्नाटक के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत मेरा राशन, जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। बात करें यहाँ पे मेरा कार्ड, मेरी दुकान, ये सब भी ऐप हो सकते हैं, लेकिन इनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन india75.nic.in अभी जो भारत का आजादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, उसके लिए ये वेबसाइट बनाई गई है india75.nic.in। यहाँ पे आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पे अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बात करें अनुगूंज 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? अनुगूंज 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे
शासकीय शालाओं में यहाँ पे मेन शिक्षा विभाग द्वारा ये अनुगोज 2021 करवाया जा रहा है, जहाँ पे लगभग 400 स्कूली बच्चे भाग लेंगे। यहाँ पे नृत्य संगीत एवं नाट्य समारोह होगा। ये 12 मार्च और 13 मार्च 2 दिन चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 12 मार्च को धनक और सेकेंड डे 13 मार्च को रंग आकार। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिशन नगरोदय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मिशन नगरोदय, इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है। आप देख सकते हैं मिशन नगरोदय का यहाँ पे शिलान्यास किया जा रहा है, जहाँ पे 809 करोड़ से यहाँ पे नगरों के विकास पे पैसा खर्च किया जाएगा। अब चलते हैं अगले। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जा रहा है? ये ध्यान रखिएगा, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल ये फोर्थ एडिशन है। फोर्थ एडिशन कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल मनाया जा रहा है और इसका इनॉग्रेटर बाई नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, जो कि 12 से 19 मार्च तक चलेगा। अब अगले क्वेश्चन, अर्जुन है, अर्जुन सहायक सिंचाई प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार की योजना है? अर्जुन सहायक सिंचाई प्रोजेक्ट मूलतः उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, आप देख सकते हैं अर्जुन सहायक परियोजना, जहां पे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। आप एक न्यूज का कटलेट भी देख सकते हैं, जहां पे बुंदेलखंड की प्यास जल्द होगी दूर बताया जा रहा है। इसमें 2600 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 168 गांव ये बुंदेलखंड के लाभान्वित हो गए, और जहां पे 15,000 हेक्टेयर सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। यहां पे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं पीएम जी धन धन की कमी नहीं होने देंगे, सोना उगलेगी अब यह धरती। अब अगले, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये तेलंगाना में बनाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एनटीपीसी इसको बना रही है, इंडिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ये रामागुंडन जिले में बनाया जा रहा है। वैसे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट और भी स्टेट में है, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो बनाया जा रहा है वो तेलंगाना में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का इस समय 36वां स्थापना दिवस मनाया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो इसको राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1977 में इसके इसको बनाने के लिए अपना सुझाव दिया था, और 1985 में इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई जाती है, और जिसके रिकमेंडेशन पे 1986 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं 11 मार्च 1986 को इसको बनाया गया था, इसलिए हर साल इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस बार 36वां स्थापना दिवस है। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।